क्या हुआ जब शिवजी के 11वें अवतार ने दिया खुद शिवजी को श्राप। तो चलिए जानते हैं कौन थे ये अवतार। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया तो फिर उन्होंने माता पार्वती के रूप में हिमाचल पुत्री बनकर जन्म लिया और भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या भी की। तब पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव विवाह के लिए राजी हो गए तो चारों तरफ खुशहाली छा गई और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव के विवाह की तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। जब कैलाश पर्वत पर सभी देवता और शिवगण शिवजी के विवाह का उत्सव मना रहे थे तभी वहां मुनि दुर्वासा अपनी माता अनुसुईया के साथ आते हैं, जिन्हें देखकर नारद मुनि ऋषि दुर्वासा से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, क्या आप अपनी माता को छोड़कर वापस चले जाएंगे? तब दुर्वासा मुनि कहते हैं, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं भी शिवजी के विवाह में जाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर नारद मुनि विचार करते हुए बोलते हैं, मुनि श्रेष्ठ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्रोध जल्दी आता है जिससे आप श्राप भी दे देते हैं। कहीं इस विवाह के दौरान आपको क्रोध आ गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तब मुनि दुर्वासा बोले कि ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि ना मैं अब क्रोध करूंगा और ना ही किसी को श्राप दूंगा। तभी वहां नंदी जी आ गए और मुनि दुर्वासा को लेकर वहां गए जहां शिवजी थे। वहां पर सभी देवतागण और सभी शिवगण हंसी मजाक नाच गाना और मौज मस्ती कर रहे थे। मुनि दुर्वासा को देखकर सभी शिवगणों ने मुनि दुर्वासा को भी नाच गाने में सम्मिलित होने की बात कही और उनके साथ हंसी मजाक करने लगे। ये देखकर मुनि दुर्वासा को लगा कि सभी शिवगण उनका अपमान कर रहे हैं। वहीं क्रोधित दुर्वासा ने माता को दिए वचन को भूलकर सभी शिवगणों को श्राप दे दिया कि तुम्हारे इस भयानक रूप को देखकर सभी कन्या पक्ष वाले मूर्छित हो जाएंगे। जब तुम उनके द्वार पर जाओगे तब ऐसा ही होगा। और भगवान शिव को श्राप दिया कि इस रूप में तुम्हारा विवाह पार्वती के साथ नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, नारद जी बोल पड़े, हे मुनि, आपने कैसा अनर्थ कर दिया? बड़ी मुश्किल से तो शिव जी इस विवाह के लिए तैयार हुए थे और आपने श्राप देकर घोर अनर्थ कर दिया। दुर्वासा के श्राप से वहां उपस्थित सभी देवता और शिवगण चिंतित हो गए कि अब क्या होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल तो शिव जी समाधि से जगाए गए थे और अगर शिव जी ने दोबारा समाधि लगा ली, पता नहीं कितने युगों तक उनका ध्यान नहीं टूटेगा। नारद जी की बात सुनकर दुर्वासा भी दुखी मन से सोचने लगे कि ये मैंने कैसा अनर्थ कर दिया। मैंने तो माँ को भी वचन दिया था कि मैं क्रोध नहीं करूँगा और ना ही किसी को श्राप दूंगा। अब चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था कि अब क्या होगा। तभी वहां भगवान विष्णु जी आए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तनिक भी शोक न करें, ये सब विधि के विधान के अनुरूप हो रहा है। महादेव और पार्वती का विवाह होना तय है, अंतः जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर विवाह में चलने की तैयारी करें। जब श्री हरि विष्णु ने यह बात कही तब जाकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आई और पुनः सभी शिव जी के विवाह की तैयारी में जुट गए। तो दोस्तों, दुर्वासा ऋषि ने ही दिया था महादेव और उनके शिव भक्तों को एक खास श्राप। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए महादेव दर्शन।